पहले हार की समीक्षा की बात करते हैं। कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है हार की समीक्षा। तीन राज्यों में जिस तरह से करारी हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद दिल्ली में अब मंथन होना है, समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में हार की समीक्षा के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा, विचार होगा। छत्तीसगढ़ से प्रदेश कांग्रेस चीफ दीपक बैज, प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल रहेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश से पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विधानसभा में मिली हार के कारणों पर चर्चा के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर भी विमर्श हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव सामने हैं और इस तीन राज्यों की विशेष तौर पर बात करें तो बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को, जिस तरह से पहले प्रतिक्रियाएं भी मिल रही थी, कांग्रेस को जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही थी वो उनके पक्ष में थी, कांग्रेस बड़े उत्साह में थी, तीनों राज्यों में वापसी करेगी इस उम्मीद के साथ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं दरअसल, बल्कि बुरी तरीके से हार हुई कांग्रेस की तीनों ही राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसे में समीक्षा का दौर, आज महत्वपूर्ण बैठक, राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद रहेंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद रहेंगे। स्पर्श शर्मा से जानकारी लेते हैं इस विषय पर विस्तार के साथ। स्पर्श, कितने बजे होनी है बैठक, इसके लिए कौन कौन से नेता पहुंच गए हैं दिल्ली, और साथ ही साथ न सिर्फ हार की समीक्षा भी होगी और एक बार फिर नए सिरे से नए जोश के साथ 2024 के लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना है, स्पर्श के पास क्या कुछ जानकारी इस विषय में? देखिए, आज दोपहर 2:30 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। दिल्ली में दो राज्यों को लेकर आज जो बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। पहले छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक होगी और उसके बाद जो मध्य प्रदेश है उसको लेकर बैठक होती हुई नजर आएगी। हार की समीक्षा को लेकर प्रदेश के जो नेता है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए, प्रभारी कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, केसी वेणुगोपाल रहेंगे और हार की जो समीक्षा है वो आज जो है यहाँ पर होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार क्या कारण जो है देखते हुए जो है मिलते हुए जो है नजर आए। और उसके साथ साथ जिस तरह की खबरें, हो सकता है कि आज की बैठक में कई अहम निर्णय जो है लिए जाएंगे जो कि लोकसभा चुनाव पर जो है सीधे तौर पर जो असर है वो डालते हुए जो है नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि जो इस्तीफों का दौर है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने इस्तीफे जो है वो सौंपते हुए जो है बैठक में नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल हार की समीक्षा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी जो है चुनावी वादे करके मैदान में उतरी थी, कांग्रेस भी चुनावी वादे करके मैदान में उतरी थी, लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी के वादों को जो है जनता स्वीकारती हुई नजर आई, ये तमाम जो समीक्षा का विषय है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है बैठक में नजर आएगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में तीनों ही राज्यों की समीक्षा के साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है इस वर्ष की, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कल यानी 9 तारीख को जो है राजस्थान की बैठक का कांग्रेस मुख्यालय में होती हुई नजर आएगी और वहां पर भी निश्चित तौर पर चूंकि जो जनादेश है वो विपक्ष का मिलता हुआ नजर आया, तो वहां पर कौन जो है जो नेता विपक्ष है वो होता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ जो पूरे कार्यक्रम देखने को मिलते हुए नजर आते थे या फिर कहे कि जो गतिरोध देखने को मिलते हुए नजर आते थे वो किस तरीके से जो आप पीछे हटेंगे लोकसभा चुनाव की, क्योंकि तैयारियां कांग्रेस को करनी है और उससे भी बड़ा कि सामंजस्य नेताओं के बीच में किस तरीके से जो है मिटाया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर जो बैठक है वो आज जो है लगातार 2 दिन कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की और कल राजस्थान की। जी बिल्कुल, ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व है स्पर्श वो 1-to-1 चर्चा करेगा, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। और देखिए, तमाम नेताओं को जो है एक साथ एक टेबल पर जो है बैठाया जाएगा और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो बयान है वो अलग अलग निकलकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ राज्यों में हमने देखा कि ईवीएम को लेकर सवाल निशान जो है उठाते हुए जो है नेता नजर आते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की जाए या फिर भूपेश बघेल का भी बयान निकलकर सामने आया था ईवीएम को लेकर। ऐसे में ईवीएम की बात करें या फिर जो योजनाएं थी महिलाओं से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, वो आखिरकार क्यों कारगर जो है साबित होती हुई जो है नहीं नजर आई है, ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया और उसी को लेकर जो समीक्षा है वो अब पूरी तरीके से प्रदेश के नेताओं के बीच में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और इस बैठक में हो सकता है कि कई वार पलटवार भी देखने को मिलते हुए नजर आए, मसलन नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह की भी स्पर्श के आपके पास जानकारी, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा देंगे और नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में मध्य प्रदेश को मिलेगा, कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह की भी चर्चाएं हैं क्या दिल्ली में?
देखिए बिल्कुल, जब इस तरह की एक बड़ी बैठक AICC लेवल पर होती हुई नजर आ रही है तो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के अपना इस्तीफा देते हुए जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन चुनाव क्योंकि लोकसभा चुनाव के अब बेहद नजदीक देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कोई बोल्ड स्टेप कांग्रेस नेतृत्व जो है इस मामले में लेता हुआ नजर आएगा नहीं आएगा, ये तमाम जो है चर्चा का विषय जो है लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे और लगभग इस वर्ष 1.5 घंटे का वक्त शेष है, जैसे आपने कहा कि 2:30 बजे का वक्त तय हुआ है विचार मंथन के लिए, इस पे फिर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।